প্রিয় দর্শকবন্ধু, আমরা সকলেই জানি যে ভগবান শিবের মহিমা অতুলনীয়। মহাদেব যেমন খুব অল্পে সন্তুষ্ট হন, ঠিক তেমনি তার পূজোয় কোনো ভুল ত্রুটি হলে তিনি খুব তাড়াতাড়ি অসন্তুষ্ট হন। বিশ্বাস করা হয় যে শিবলিঙ্গে কেবলমাত্র জল নিবেদন করলেই মহাদেব প্রসন্ন হন। তবে ভোলেনাথের কৃপা পাওয়ার আরেকটি সহজ উপায় আছে, তা হল নিত্য শিব চালিশা পাঠ। যারা শিবের আশীর্বাদ পেতে চান তারা নিয়মিত এই শিব চালিশা পাঠ করুন। শিব চালিশা 40টি লাইনেই ভোলেনাথের মহিমা বর্ণিত রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে শিব চালিশা পাঠ করলে জীবনে আসা সমস্ত বাধা বিপত্তি দুঃখ কষ্ট রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলে। এছাড়াও নিয়মিত শিব চালিশার পাঠে বৈবাহিক সমস্যা দূর হয়, সম্পর্কের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে শিব চালিশা। যে কোনো কাজ কারবার বা ব্যবসায় বা আর্থিক সংকট যদি দেখা দেয় জীবনে, তাহলে এই শিব চালিশা কেউ যদি নিত্য পাঠ করতে পারে তাহলে দেখবেন তার জীবন থেকে এই সকল সংকট দূরীভূত হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে ভয় পান বা ভয়ে জর্জরিত থাকেন, সে টুকটাক হোক, কালা জাদু হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন, তাহলে অবশ্যই নিত্য শিব চালিশা পাঠ করুন। এই শিব চালিশা একটি কবচের মতন কাজ করে যে আপনাকে অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। আসুন এখন আমরা এই পবিত্র শিব চালিশা মন্ত্র একসাথে শ্রবণ করি। শিব চালিশা जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मन मोहे मैं नमातु की हुए दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गण राऊ या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत षडानन आप पठायो लव निमेश महामारी गिरायो आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारे पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम समको नाही सेवक स्तुति करत सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला किन्हीं दया तह करी सहाय नील कंठ तब नाम कहाई पूजन राम चंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारे किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावै भ्रमत रहो मोहि चैन नावै त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो
माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर हूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारे, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शारद नारद शीश नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहुं हमारी। नित ने मूठी प्रातही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सिर छठी हे मंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण।